अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाहजी स्मार्ट एडवाइस। आज मैं आपको लेबर पेन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि औरतों को जब लेबर पेन्स होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन सी दवाइयां नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं। लेबर पेन्स जो है वो ज़्यादातर नॉर्मली जो है वो जब एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है, बच्चे की पैदाइश के वक्त, तो यूटेरस जो है वो मूव करता है, बेबी को जो है डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है बर्थ कनाल की तरफ, जिसकी वजह से लेबर पेन्स होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर औरतें जो हैं वो लेबर पेन्स जब होता है तो वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। अच्छा, इसमें जो है जो होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें कॉफ़ी है, ये उस वक्त होती है जब बहुत ही सेंसिटिविटी हो और बहुत ज़्यादा पेन उठ रहे हो, तो इसलिए कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ नक्स फॉर्मिका है, वो भी लेबर पेन में इस्तेमाल की जाती है, मगर ग्रेट इरिटेबिलिटी हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इरिटेशन बहुत हो तो उस वक्त इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पल्सेटिला है, वो भी लेबर पेन में उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब रेस्टलेसनेस भी बहुत हो, बेआरामी बहुत हो और बहुत बेचैनी की कैफियत हो, उसलिए पल्सेटिला इस्तेमाल की जाती है। तो जनाब, ये थी लेबर पेन्स के बारे में कुछ डिटेल और दवाइयाँ। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और मेरी वीडियो भी, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।